वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्लीन अप एट होम हम कैसे करें, घर पर हम क्लीन अप कैसे करें। चाहे आप हाउसवाइफ हो, या आप एक वर्क वूमेन हो, या आप ऑफिस में काम करती हो, या आप एक स्टूडेंट हो, हम सबको अपनी स्किन को क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। हम कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर की धूल मिट्टी डस्ट डर्ट वगैरह हमारी स्किन पर बैठ जाती है और हमें पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम्स होती है। चाहे हम मेन हो या वुमेन हो, हमें अपनी स्किन को क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्लीनिंग करने से हमारी स्किन ग्लोइंग बनती है और सारे डर्ट्स वगैरह निकल जाते हैं। हमारी स्किन में चमक और एक नई जान आ जाती है और हमारे पोर्स वगैरह भी गंदगी से बाहर आ जाते हैं और हमारी स्किन सॉफ्ट एंड शाइनी बन जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप है क्लीनिंग। क्लीनिंग के लिए यहाँ मैं रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। रोज़ वाटर हमारे घर में अवेलेबल होता ही है। अगर नहीं है तो आप इसे शॉप से आराम से परचेस कर सकते हैं। यहाँ मैंने फेस को वॉश नहीं किया है, डायरेक्टली एक स्पंज की मदद से फेस को क्लीन करूँगी। रोज़ वाटर इसलिए, रोज़ वाटर के ये बेनिफिट्स है कि अगर आपकी स्किन पर रेडनेस हो तो ये इसे रिड्यूस करने में मदद करता है। एक्ने वगैरह, पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम हो, ये इसमें भी काफ़ी हेल्प करता है। आपकी स्किन को एक चमक देता है, सॉफ्ट एंड शाइनी आपकी स्किन बनाता है और एक नेचुरल ग्लो आपकी स्किन पर लेकर आता है। अगर आपके चेहरे पर सूजन हो या झुर्रियों की प्रॉब्लम हो तो ये इसमें भी काफ़ी हेल्प करता है। कील मुहासे में भी काफ़ी हेल्प करता है। हमारी ये तीत वगैरह, हेयर वगैरह, आई में भी काफ़ी काम आता है। और अगर आप इसे एक टोनर के ज़रिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। टोनर अगर आप रोज़ अपनी स्किन पर लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स आपकी स्किन पर दिखेगा। रोज़ वाटर की वजह से हमें अपनी स्किन को अच्छे तरीके से क्लीन करना है, गर्दन को भी करना है। स्टेप है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए यहाँ मैंने गुड वाइब्स का लेमन एंड बेसिल स्क्रब लिया है। लेमन हमारी स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और इसकी स्मेल भी काफ़ी अच्छी है। ये एक जेल स्क्रब है, इसके अंदर छोटे छोटे दाने हैं। जब हम अपने फेस पर इसे स्क्रब करेंगे तो ये हमारे फेस को एक्सप्लॉइट करेगा। आप अपना कोई भी मनपसंद स्क्रब इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्क्रब नहीं है तो उसके लिए एक रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। आप एक टोमेटो ले लीजिए, उसके ऊपर शुगर के दाने छिड़क दीजिए, उसके बाद अपने फेस पर अच्छे से स्क्रबिंग कर लीजिए। टोमेटो एंड शुगर हमारे फेस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये हमारी स्किन को लाइटन अप करने में काफ़ी मदद करते हैं और स्क्रबिंग करने से ये होगा कि हमारी स्किन पोर्स में जो डर्ट वगैरह होंगे वो रिमूव हो जाएंगे और स्किन सेल्स में जो डर्ट्स वगैरह होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमें 10 मिनट्स स्क्रबिंग करनी है अपने फेस पर और अच्छे से करनी है। 10 मिनट के बाद हम अपना फेस वॉश करेंगे, जिसकी वजह से हमारी स्किन स्मूथर एंड सॉफ्टर नज़र आएगी। तो अच्छे से हम स्क्रबिंग कर लेंगे। स्टेप स्टीमिंग है। स्टीमिंग लेने के दो तरीके हैं। पहला तो आप एक बॉल में पानी गर्म कर ले, फिर उसकी भाप ले ले, और सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप बॉल में पानी गर्म कर रुमाल को भिगो भिगो कर अपने चेहरे पर स्टीमिंग ले ले। स्टीमिंग करने के ये फ़ायदे हैं कि आपके जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। चेहरे पर जमी धूल गंदगी को साफ करने के लिए स्टीमिंग बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। स्टीमिंग लेने से आपकी स्किन के डेड स्किन निकल जाती है, पोर्स क्लियर हो जाते हैं और आपकी स्किन को सांस लेने में हेल्प होती है। ये करने से आपकी स्किन नई और चमकदार हो जाती है। हमें इसे 3 या 4 बार पानी में भिगो भिगो कर स्टीमिंग अच्छे से ले लेनी है और स्टीमिंग हमें लेना ही चाहिए। ये हमारी स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। स्टेप है फेस मास्क। फेस मास्क के लिए मैं यहाँ वाव का एक्टिवेट चारकोल पील ऑफ मास्क यूज़ कर रही हूँ। ये फेस मास्क बहुत ही अच्छा है, बाकी पील ऑफ मास्क की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इसे रिमूव करने में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और इसके बेनिफिट्स ये है कि ये हमारी स्किन को डिटॉक्सीफाई करता है, रिमूव करता है ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को और रिड्यूस करता है साइन ऑफ एजिंग को। तो ये पील ऑफ मास्क बहुत ही अच्छा है, आप इसे ज़रूर परचेस करिए, ट्राई करिए एक बार। और अगर आपके पास कोई फेस मास्क नहीं है तो मैं आपको एक हाइड्रेटिंग फेस मास्क बताती हूँ। आप उसके लिए एक बॉल में 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल ले लीजिए और 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए। एलोवेरा जेल और मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है और 15 या 20 मिनट तक अपने फेस पर लगाए रखना है। इससे हमारे पिंपल, एक्ने वगैरह रिड्यूस होंगे और हमारी स्किन पर एक नेचुरल शाइन आएगी और इसमें कंटेंट गुडनेस मिली हुई है।
इसमें एंटीऑक्सीडेंट है जो रिमूव करेगा हमारी साइन ऑफ एजिंग को और रिमूव करेगा डायमेंशंस, फाइन लाइंस एंड विंकल्स को। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपने फेस मास्क को रिमूव करेंगे। हमें नीचे की साइड से रिमूव करना है, अपोजिट साइड से हल्के हल्के हाथों से हमें इसे रिमूव करना है। इसमें सारी जो गंदगी होगी आराम से निकल जाएगी। और अब मुल्तानी मिट्टी का फेस मास्क 20 बार हमें उसे फेस वॉश कर लेना है, तो अच्छे से हम इसे निकाल लेंगे। स्टेप है आइस क्यूब। आइस क्यूब के बहुत ही फ़ायदे हैं। आइस क्यूब लगाने से हमारी स्किन ग्लोइंग होती है, हमारे डार्क सर्कल्स रिड्यूस हो जाते हैं। अगर आपको झुर्रियों की प्रॉब्लम हो तो ये भी दूर हो जाती है। आँखों के नीचे सूजन हो तो इसे भी ये रिड्यूस करने में काफ़ी मदद करता है। हमारे ओपन पोर्स बंद हो जाते हैं। मेकअप फाउंडेशन से पहले अगर आप लगाएंगे आइस क्यूब तो आपका बेस एकदम फ्लॉलेस बनेगा, आपकी लिप्स सॉफ्ट हो जाती है और ऑयली स्किन रिड्यूस हो जाती है और हमारी स्किन एक्सफ्लोइट होती है। क्लीन अप कम्प्लीट है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स में, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मोर वीडियोस के लिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।